ये हिल क्यों नहीं रही है? अब चली। मैडम जी, मैं छत पर हूं और ये आपकी बेटी की परछाई है और ये है कल के बासी पकौड़े। थैंक यू। ये तैयारी कैसी? आज लड़के वाले आ रहे हैं ना देखने के लिए। देखने वाले आ रहे हैं, बताया भी नहीं। मैं क्या कोई स्टील फोटोग्राफर हूँ जो मुझे देखकर हंसती रहती हो? मधु, हाँ? इस बर्तन को रसोई में ले जा बेटा। हाँ। कैसी हो? ठीक हूँ। आज इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना? हाँ, बस आते ही होंगे। अब बैठिए ना। ये लड़की कौन है? मैंने आपको बताया था ना, हैदराबाद से आई है। महालक्ष्मी की बेटी है। बेटा जरा चाय ले, गला सूख। हाँ जी, अब बैठिए ना। तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती? तुम्हारा नाम क्या है? अनसुया राम सिंह। बाप की लाडली हो, दिख रहा है, दिख रहा है। और आप? फूलवती अम्मा। बुआ जी। फूलवती अम्मा। बुआ जी, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे ये रहने दे। अरे अरे, आपको ही देना होगा, लीजिए। ऐसा शुभ काम तुम मेरे हाथों से क्यों करवा रही है? बुआ जी, आपका दिल अच्छा है, आपको ही आशीर्वाद देना होगा, दीजिए। आशीर्वाद देने में इतनी कंजूसी, हाथों में दर्द है क्या? नहीं बेटा, मेरी 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 14 साल में पति मर गया। फिर से शादी क्यों नहीं की आपने? इतनी अकल नहीं थी ना मुझे। कब क्या बात करनी होती है आपको नहीं पता। देखो तो बहुत सुंदर है, मेकअप किया है। ये कैसा मेकअप है? इन बालों का क्या किया? फिल्मों में एक्टिंग करने जा रही हो? ठीक करो, देख क्या रही हो, जाओ। ये ले। बानू जी एकदम मस्त। ये साड़ी और ये मेकअप सब वो अपने साथ ही लेकर चली जाएगी। हाँ? लेकिन तुम लाइफ लॉन्ग खुद के साथ ही रहोगी। भानु, ट्रेलर में कभी फिल्म दिखती है क्या? देखने आ रहे हैं उनमें तुम अपना बेस्ट तो नहीं दिखा सकती ना? आगे चलकर 10-12 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, किसी दिन एक शाम को तुम्हारी दी हुई चाय पीकर उसे एहसास होना चाहिए कि इतनी सही लड़की इतनी आसानी से कैसे मिल गई मुझे। ठीक है ना? तो हो जाए शुरू, चलो बैठो। लड़की को गाना वाना आता है क्या? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, कथकली, ये सब नृत्य आते हैं। वो सब शादी के बाद आप लोगों से सीख लेगी ना? फाइन आर्ट्स पर बहुत रुचि है इसकी। आपके बेटे को कुछ आता है क्या? इसी सवाल की मुझे अपेक्षा थी। मैं 10 साल से बजा रहा हूँ। किसे बजा रहे हो? वीणा। ओह, वीणा से मैं विचलित कर सकता हूँ। जरा देखो तो उसे, लंगूर जैसा लग रहा है। और इसे भानु से शादी करनी है, मेरे रहते ये नहीं हो सकता। 2 दिन रह के हम चले जाएंगे, हमें क्या करना है इन सब से? मैं ना वर्षा ऋतु की तरह हूँ, भले 2 महीने बरसो लेकिन फसल साल भर होती है। लेकिन सूखा भी पड़ता है। सॉरी, साड़ी। सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे। क्या है? सूटकेस ओपन नहीं हो रहा है। सूटकेस यहाँ नहीं, वहाँ है।
चैन थी इसमें। चैन अटक गई थी। मैं तो लॉक समझ रही थी। मैंने भी ऐसा ही समझा था। लेकिन ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। लड़की वहां पर है। लेकिन रिश्तेदार तो इस तरफ है ना? सुनिए जी, जरा यहाँ आइए ना। फिर से बुला रही है। हाँ, मैंने सुन लिया। अब क्या हुआ? सूटकेस चुभ रहा है क्या? बंद नहीं हो रहा। एक बार दिखाई दे जाए। लड़की उस तरफ है, लेकिन सिग्नल इधर से आ रहा है। नितिन, नितिन कहा था ना? आ जाओ, मुझे लगा कह रही है। एक बार आओ ना। अब क्या हुआ? नितिन, वो ना थैंक्स कहना भूल गई थी। थैंक यू। लड़की उस तरफ है, मुझे पता है, लेकिन आकर्षण सामने दिखाई दे रहा है। हाय, हाय, व्हाट अ शॉट। बस करो अब। आपका नाम क्या है जी? सुनिए, बस एक बात, मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम दूंगा भागने के लिए। 2 मिनट काफी है पिताजी, भाग लो यहां से। जरा संभाल कर चलना। हाँ हाँ, रात को ही, करीब 10 बजे। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। इसे लेकर क्यों आई हो? क्यों, मैं आ गई तो क्या परेशानी है तुम्हें? क्योंकि हम शादी में नहीं, शोक में जा रहे हैं। आपको शांत रहना होगा वहाँ। क्यों, कौन मर गया? वो जो कल हमारे घर आई थी ना, फूलवती अम्मा। फूलवती अम्मा, बहुत मजा किया नाम। ये तो यहीं शुरू हो गई। जो भी आए उन सबको चाय पानी दे दो। थोड़ी चीनी हो तो डाल दो। भानु, देखो ना, हम सबको छोड़ के चली गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? बस 15 मिनट के लिए मैं उस तरफ गई थी। आए भगवान, ये क्या कर दिया? हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब ज्यादा मीठी हो गई है, थोड़ी कॉफी पाउडर डाल दो। ये सब कैसे हुआ आंटी? तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हारा शादी क्यों नहीं की पूछा था? शायद रात को मछली खाते खाते हंसी जा रही थी, हंस रही थी, खा रही थी, कांटा गले में चुभ गया और तब घुटने से मर गई। कोई रोते
हुए जाता है तो कितना दर्द होता है। अरे ये तो हंसते हुए चली गई। पूरे गांव वालों के साथ बड़ा प्रेम से व्यवहार करती थी। हमें छोड़ के चली गई तू। अरे हंस मत, मेरी माँ ये लोग मार डालेंगे अपने को। अरे हंसो, हंस, समझ में नहीं आता। चलो यहाँ से चलो। बड़ी अम्मा, हमें छोड़कर तुम क्यों चली गई? बड़ी अम्मा आजा, बड़ी अम्मा क्यों चली गई? बड़ी अम्मा बबली है वो। नाम बबली। बबली है। कौन है वो? वो एक जमींदार की बेटी है। सब अपनी बेटी को गोद में बैठाकर पालते पोसते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने बबली को सर पर बैठाकर पाला है। सफेद हाथी चाहिए तो हाथी को कलई से पोत दिया। कोई आकर इसे पकड़ लो, मुझे उठाकर फेंक न दे। ताजमहल कहाँ है? जवाब न देने पर टीचर ने मारा तो उसे ही पिटवा कर गाँव के स्कूल को बंद करवा दिया। कुछ दिन पहले मैं चूड़ियाँ खरीदने बाजार गई थी, वहाँ पर बबली के भाई ने मुझसे छेड़खानी की। आए, रुक। भैया ने उसे मारा तो बबली ने जो हमसे कहा सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम मुझे पसंद हो मतलब? नितिन मान जाएगा क्या? तो जमींदार ने हमें वहां बुलाकर आ आ ई ई सुनाकर गणित समझाकर हाँ करवा दी। तुमने इतना उधार लिया है, ये अब तक लौटाया। तुम इधर रहते हो और ये ईमानदारी का बिजनेस। इन सब के साथ तुम्हारी परेशानियां भी दूर होनी है तो तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार होना चाहिए। ये है वो चमत्कार। कॉफी नहीं, उसे लाने वाली मेरी बेटी। बेटी आज तुमने बाल बांध कर रखे हुए हैं, ऐसे बंधे बालों में भी अच्छी दिखती हो। मेरे हाँ या ना कहने से पहले भानु की शादी किसी अच्छे लड़के से होनी चाहिए। सही है, भानु की शादी हो गई तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? So, we will fix this. भानु, एक बार उस बबली से मिलवा देना। तुम मिलने क्यों जाओगी? बुलाएंगे तो वो खुद यहाँ आ जाएगी। हाँ? बबली का इतना खूबसूरत होना पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आया। मधु, हाँ? मैं यहाँ हूँ। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है, कुछ दिन के लिए यहाँ आई है। कुछ दिन के लिए ना? वो नहीं है ना? वो मतलब ये वाला? बबली, सासू माँ। अरे अरे, गांव में ये सब बहुत जरूरी होता है जी। जब हम आए थे तब क्यों नहीं बताया? कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ सासू माँ। मधु, इसे अंदर रख दो। हाँ?
अरे तुम भानु से मिलने आई हो? एक शर्ट दे दो बस काफी है, तो फिर जो कुछ पूछोगे वो बता देगी। बेटा खाना लगा दूं? हाँ माँ लगा दो। बबली तुम भी आ जाओ। पहले मेहमानों को खिलाइए सासू माँ, मैं बाद में खा लूंगी। अब क्या हो गया? तुम्हारी होने वाली पत्नी को देखकर पेट भर गया होगा ना? मेरी तो भूख ही मर गई। तो मैं दूध भिजवा दूं? ना कहूंगी तो दोबारा उठाकर ले जाओगे? प्लीज यहाँ पे लाओ। आराम से, मेरे आराम बाल से। मुझे बहुत गिल्टी सा फील हुआ, मुझे गुस्सा आया तो बस जो दिल में आता है वही करती हूँ, पर उसके बाद बहुत दुखी होती हूँ। मेरा सुसाइड अटेम्प्ट भी वैसा ही था, अपनी माँ पर गुस्सा। जैसा तुम्हारे पापा ने कहा तुम इससे शादी कर लो, तुम्हें कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं, इसके पास बहुत सारा पैसा है, काम करने की जरूरत नहीं, इसके घर में 25-30 कमाने वाले हैं, काफी है ना? एक हफ्ते बाद वो तुम्हें देखने आ रहे हैं, एक महीने में शादी करवा के भेज दूंगी, उसके बाद तुम्हारे लिए सोचने की जरूरत नहीं ना डरने की, तुम्हारे जन्मदिन पर यही तुम्हारा गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे। देखते ही जान देने का दिल करे, इतना बुरा भी चेहरा नहीं था, लेकिन उस टाइम मेरा मूड ही वैसा था। बस हेलो हेलो, हाँ मैं वैजनाथ बोल रहा हूँ, महालक्ष्मी जी है क्या? उनके पति से बात कर लो। अरे बाप रे, आप हैं? काली माता को एप्लीकेशन देने जाओ और भैरव बाबा अप्रूवल दे दे, वैसी खुशी मिल रही है मुझे। वो क्या है ना, बंदर के हाथों मोतियों की माला लग जाए वैसे अपनी बेटी को अपने यहाँ भेज दिया है, अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा है यहाँ। बाबू वो गलत कर रही है तो उन्हें बुरा क्यों बोल रहे हो? उनकी बेटी गलत है ये बात उसके बाप से कैसे बोल सकते हैं? वो क्या है कि रावण के माँ बाप भी अपनी बेटी सूर्पनखा को अप्सरा समझते होंगे ना। क्या बात कही पापा। रावण को भी उनकी पत्नी कोई बड़ा फिल्मी सुपरस्टार ही मानती होगी। ये तो बहुत तेज है पापा। अब उनके लिए बुरा मत बोलो। मैं तो बोलूंगी। लेकिन वो यहाँ से जाएगी। जाना चाहिए। नहीं नहीं, और जाएगी। देखिए एक बात है, एक जवान लड़की को एक जवान लड़के के साथ छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। आगे कुछ अनहोनी हो गई तो, और वो महालक्ष्मी जी को पता चल गया तो? मैं देख लूंगा। हाँ आपको देखना ही होगा ना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है। मैडम, छोटी मैडम घर पर नहीं है, किसी रिश्तेदार के घर पर है। तुम्हें कैसे पता? गांव से किसी भूतनाथ का फोन आया था। वो बैजनाथ है। अरे भूतनाथ हो या बैजनाथ, फोन तो उसी ने किया ना। सर टेंशन में है और आप एक्सटेंशन पे हैं। जल्दी से मेरी टिकट बुक करो, मैं आ रही हूँ। ओके मैडम। मैडम मैडम मैडम, मैं एयरपोर्ट पे अपनी कार नहीं लेके आ सकता, वरना सबको पता चल जाएगा। आप टैक्सी बुक करके आ जाओ, रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। थैंक यू मैडम। कुर्सी पे झूल रहे हैं, आज तो तुम गए काम से। नितिन। हाँ अंकल जी। मेरी बीवी को पता चल गया। वो चेन्नई से निकल रही है, तुम्हारे पास 5 घंटे का टाइम है। इसी बीच अनु को लेकर आ जाओ बेटा, वरना तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। आप परेशान मत होइए अंकल जी, आंटी के पहुंचने से पहले अनु को ले आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है ना? ओके।